आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ME-301 यूनिट नंबर 01 प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशंस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रेफ्रिजरेशन की हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो बहुत सी बार हमारे सामने ऐसी कंडीशंस आती है जब हमें किसी एक पर्टिकुलर स्थान के टेम्परेचर को उसके बाह्य वायु जो वातावरण है उसके टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर उसे स्टोर करना होता है। जैसे गर्मियों में हम आराम के लिए हम उस जगह को ठंडा रखना चाहते हैं जहाँ पर हम रेस्ट करने वाले हैं, ओके। और खाद्य पदार्थ आपके जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इन सभी को हमें लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना होता है बाह्य वातावरण से, ठीक है। इसलिए हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है, ओके। तो रेफ्रिजरेशन क्या है कि रेफ्रिजरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। कि रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, कि आपके किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना कंपेयर टू इसकी सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग की अपेक्षा कम तापमान पर बनाए रखने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं, ओके। देन रेफ्रिजरेटर, तो ये जो रेफ्रिजरेशन की जो प्रोसेस है हम जिस मशीन के द्वारा, जिस डिवाइस के द्वारा करते हैं उसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। तो बाय डेफिनेशन हम उसको देखते हैं तो रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर इज क्या है, एक डिवाइस है जिसका यूज हम अपने जो स्टोरेज स्पेस है या सिस्टम है उसके टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में लेके आते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक सिस्टम है, या आपके पास कोई सिस्टम है और इसको हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करना है, जिसको हम देता हूँ लोअर टेम्परेचर, और आपके पास ये सराउंडिंग है जो इसको हम कहते हैं हायर टेम्परेचर पर है, और फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और हमारा सिस्टम है उसे हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करना है। तब हम देखते हैं कि जनरली जो हीट का फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। दैट्स मीन इसमें जो हीट का प्रवाह है वो इस तरीके से हीट का फ्लो होगा, जिसको हम बोलते हैं Q किलो जूल पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर Q किलो जूल जो है हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर होती है। अगर ऐसा होता है तो हमारे क्या होगा, इसमें टी लोअर टेम्परेचर जो है, यानी कि जो 0 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगेगा, आपके सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो TL इंक्रीज, यानी कि लोअर टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम से जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर साइड में हीट का ट्रांसफर होने से लोअर टेम्परेचर का जो सिस्टम है आपका उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। दैट्स मीन हम उसको तो हमें लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या करते हैं कि हम इस सिस्टम के चारों ओर, ये हमारा पास जो मेन सिस्टम था, इस सिस्टम के चारों ओर हम क्या करते हैं, एक उष्मारोधी एलिमेंट्स की हम क्या करते हैं, एक परत का निर्माण करते हैं। उष्मारोधी यानी उष्मा कुचालक जो है एक वॉल का निर्माण करते हैं। तब इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपके देखिए लोअर टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन करना है, या आपकी सराउंडिंग है जिसको हमने माना था जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर या हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ से जो वापस से ना हीट का प्रवाह होता है, लेकिन इस बार जो हीट है वो आपके क्यू, और हम कह सकते हैं क्यू इज़ लेस देन क्यू। तो हम यह देखते हैं कि उष्मारोधी जो या उष्मा कुचालक जो पदार्थ की जब वॉल हम लगाते हैं सिस्टम के ऊपर, तो जो हीट का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता और हम जीरो कर भी नहीं सकते। ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कम्प्लीटली उष्मा को एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाने के लिए रोक सकता है, ठीक है। तो पहले की अपेक्षा इसमें क्या हुआ है, आप पहले की अपेक्षा इसमें हीट का प्रवाह की जो दर है वो कम हुई है, लेकिन वो जीरो नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वापस इंक्रीज होने लगेगा, यानी कि टी लोअर जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगेगा, बस इसकी जो रेट है वो थोड़ी धीरे हो गई। यहाँ पहले वाले जो सिस्टम में था जब हम इस वॉल का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो मान लीजिए वो 3 घंटे के अंदर साम्य अवस्था में आता था, अब मान लो वो 10 घंटे में साम्य अवस्था में आएगा, लेकिन टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही रहा है सिस्टम का। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र रेट फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम डिक्रीज
बट नॉट इक्वल टू जीरो. सो अल्टीमेटली लोअर टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस का मतलब है यहाँ पे आपके सिस्टम, ओके, अगेन इंक्रीज, तो वापस उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही रहा है. तब हम क्या करते हैं, तब हम देखते हैं कि मान लीजिए ये आपकी सराउंडिंग है जिसका हमें हायर टेम्परेचर है और ये आपका सिस्टम है जिसमें लो टेम्परेचर है. हमने इसे फॉर एग्जांपल इसे माना लाइक 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी सराउंडिंग है और आपका जो सिस्टम है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो जो टेम्परेचर है इस पर वॉल का इस्तेमाल भी हमें करना ही है, ठीक है, ये हमें वॉल तो लगानी ही है जैसे कुछ मात्रा में तो हमारा हीट के ट्रांसफ़र कम हो. उसके बाद भी हम देखते हैं कि एक जो हीट है क्यों किलो जूल पर सेकेंड जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है आपके हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर. तो हम देखते हैं कि टी लोवर इंक्रीज होगा, तो इसको देखने उसको रोकने के लिए इसको वापस टी लोवर टेम्परेचर के कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी हीट बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है उतनी ही हीट हम क्या करते हैं सिस्टम से सराउंडिंग की ओर बाहर निकाल देते हैं. उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, लाइक है ना. ये जितने अमाउंट में जितनी मात्रा में हमारे को से सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट आती है उतनी ही मात्रा में सेम अमाउंट में हम सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हीट को निकाल देते हैं. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट आप देखें कि इसमें जो हीट का प्रवाह किधर हो रहा है, लो टेम्परेचर से यानी कि टी लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का प्रवाह हो रहा है. लेकिन ये जनरली होता नहीं है, बाय नेचर तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का प्रवाह होता है, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का प्रवाह कर सके विदाउट एनी एडिशनल वर्क. तो इसीलिए हमें बाहर से एक एडिशनल वर्क देना होगा, यहाँ पर वर्क हमें एक एडिशनल वर्क यहाँ पे देना होगा. दैट्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या कहता है कि ऐसी कोई मशीन का निर्माण नहीं किया जा सकता जो डायरेक्ट बिना किसी वर्क की सहायता इसके लो टेम्परेचर से हीट को लेकर हाई टेम्परेचर जोन में ट्रांसफर कर दे, ठीक है, ओके. तो जो हीट हम सिस्टम से बाहर निकालते हैं उसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं. तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर इज नोन एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. इसको हिंदी में हम देखते हैं कि किसी भी बंद स्थान के ताप को उसके चारों ओर के वातावरण के ताप की अपेक्षा कम ताप पर बनाए रखने के लिए बंद स्थान से निष्कासित ऊष्मा की मात्रा को प्रशीतन प्रभाव या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं, ओके. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से क्या होता है कि वह हीट की वह मात्रा जो हम उस सिस्टम के टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर पर बनाए रखने के लिए सिस्टम से सराउंडिंग की ओर ट्रांसफ़र करते हैं या सिस्टम से उसको रिमूव करते हैं, जो एक्स्ट्रा हीट जो है हमारे सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही थी उस हीट को जो हम रिमूव करते हैं सिस्टम टू सराउंडिंग की ओर उसको हम बोलेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ओके. उसके बाद हम देखते हैं रेफ्रिजरेंट कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हीट है हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर. सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा जो हीट का जो ट्रांसफ़र है अब हो रहा है हमारे पास ये सिस्टम है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर एडिशनल वर्क दिया जा रहा है. तो ये सिस्टम से सराउंडिंग की ओर डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, किसी ने कोई ना कोई माध्यम का यूज करना पड़ेगा, किसी ने किसी पदार्थ का यूज करना पड़ेगा जो सिस्टम से हीट को लेगा और वायु बाहर सराउंडिंग में उसको रिजेक्ट करेगा, ओके. तो जो जिन पदार्थों का हम यूज करते हैं हीट को रिमूव करने के लिए उनको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक, ओके. तो डेफिनेशन देखते हैं कि रेफ्रिजरेंट्स आर दोज सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लोअर टेम्परेचर. कि किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर पर बनाए रखने के लिए हम कुछ पदार्थों का यूज करते हैं जो वहाँ आपके सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और सराउंडिंग में रिजेक्ट करते हैं, ठीक है. उसके बाद देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. हमने देखा था अभी कि यहाँ पर जो सिस्टम में से जो हीट का प्रवाह है वो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर किया जा रहा है और इसके लिए हमें एडिशनल वर्क दिया जा रहा है देना होता है सिस्टम को, और ये जो लॉ है वो सेकेंड लॉ है ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है. ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है,
इसे सभी स्टूडेंट नोट करेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है या रेफ्रिजरेशन साइकिल्स है वो किस सिद्धांत पर वर्क करती है, थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ पर वर्क करती है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर वो कार्य करती है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम रिवर्स्ड हीट इंजन और रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। तो ये देखिए, ये आपके पास है रिवर्स्ड हीट इंजन। रिवर्स हीट इंजन में ये एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एंटी क्लॉक वाइज आपके जो साइकिल है वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है रिवर्स साइकिल्स के लिए। और इसमें क्या है, लोअर टेम्परेचर से जो है हीट ली जा रही है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर साइड एंड डिलीवर टू हाई टेम्परेचर साइड। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर का जो स्पेस है वहाँ से हीट ली जाती है और उसे हाई टेम्परेचर साइड के जोन में डिलीवर की जाती है विथ वर्क की सहायता से। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। और ये हमारे पास है हीट इंजन। ओके, ये आपके पास है हीट इंजन और इसमें देखिए आप साइकिल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, ये भी आप ध्यान रखें। इसमें क्या होता है, जो हीट है वो हाई टेम्परेचर साइड से हीट प्राप्त होती है, उसमें से उस हीट का कुछ हिस्सा तो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क आउटपुट प्राप्त होता है, और उसका जो रिमेनिंग यानी शेष जो हीट है वो आपके सिंक को यानी कि लोअर टेम्परेचर साइड में रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, हम और आपने फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स में आपने फर्स्ट लॉ में सॉरी थर्मोडाइनमिक्स के अंदर जो आपके सेकेंड ईयर के अंदर आपने देखा होगा कि कम्प्लीटली जो हीट आपको प्राप्त होती है उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स मीन जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है वो 100% कभी भी नहीं हो सकती। कम्प्लीटली आपकी जो हीट है, हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसका कुछ ना कुछ रिमेनिंग पार्ट बचेगा जो सिंक को में रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल्स होती है, जो रिवर्स हीट इंजन या रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है, और जो आपका हीट इंजन है वो आपके कार्नोट साइकिल या इसको हीट इंजन बोलते हैं कार्नोट साइकिल पे बेस्ट। अब हम देखते हैं कि रिवर्स्ड हीट इंजन साइकिल जो है आपकी जो ये साइकिल है, ये जो आपकी जो साइकिल है जिसमें लो टेम्परेचर साइड से हीट ली जाती है और हाई टेम्परेचर साइड पे जो है हीट को दिया जाता है और वर्क इनपुट जो आपके जो है सिस्टम को दिया जाता है, तो ये साइकिल जो है हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो हम यूज करेंगे इसको लाइक ए हीट इंजन, और इसी साइकिल का यूज हम करेंगे रेफ्रिजरेशन में। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन में भी सेम इसी साइकिल का यूज करेंगे हीट इंजन में और इसी साइकिल का यूज करेंगे रेफ्रिजरेशन में, कंडीशंस अलग अलग होगी आपके दोनों ही टाइम्स में, जो आपके जो मेन रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी, बाकी साइकिल सेम होगी लेकिन जो हमारा एम है, हमारा जो उद्देश्य है वो अलग अलग होगा। उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि रिवर्स हीट इंजन यूज टू टाइप्स, फर्स्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड हीट पंप। उसके बाद देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम सीओपी से भी लिखते हैं, तो ये होता है आपके कि सीओपी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू वर्क इनपुट, यानी कि डिजायर इफेक्ट और वर्क इनपुट के अनुपात को हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। तो द रेशियो ऑफ डिजायर इफेक्ट टू वर्क इनपुट नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये इसकी एक तरह से सेकंड डेफिनेशन है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको हिंदी में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम आपको जो भी नोट्स में या एग्जाम्स में लिखना होता है आप हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके। तो हम देखते हैं कि आप देखिए डिजायर्ड इफेक्ट और वर्क वर्क इनपुट के अनुपात को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिजायर इफेक्ट और वर्क इनपुट के जो अनुपात होता है उसे जो हमें एक रेशियो प्राप्त होता है उसको हम सीओपी कहेंगे। हम देखते हैं सीओपी, तो ये देखिए सीओपी क्या हो गया आपके पास, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी ऑफ आर से हमारा मतलब है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो मैंने कहा था कि जो आपकी साइकिल है वो दो तरीके से काम आती है, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन की जो जब रेफ्रिजरेशन की सीओपी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिजायर इफेक्ट क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और जब हीट पंप की बात की जाएगी, सीओपी ऑफ एचपी, सीओपी ऑफ
हीट पंप, तो उसमें लिखेंगे हमें हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो आपको पता ही है कि जो सिस्टम से रिमूव जो हीट की मात्रा है उसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं, कि सिस्टम से जो हमने हीट रिमूव की थी उसको हम, और ये हीट रिमूव क्यों की थी, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो नॉट सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है, नॉट इस इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे कि सी ओ पी डज नॉट इक्वल टू इन्फाइनाइट। सी ओ पी की वैल्यू कभी भी इन्फाइनाइट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, उसका कारण देखिए आप, कि इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज वर्क इनपुट नॉट इक्वल टू जीरो। हमने देखा था कि किसी भी सिस्टम में चाहे जो हीट का पर हीट के का जो प्रवाह है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर नहीं हो सकता अगर उस पर कोई एडिशनल वर्क ऐड ना किया जाए। अगर एडिशनल वर्क हम ऐड नहीं करेंगे तो जो आपके हीट का जो प्रवाह है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर नहीं हो सकता, इसीलिए वर्क की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और हमने देखा था कि सी ओ पी इक्वल टू क्या था हमारे पास, डेजायर इफेक्ट अपॉन वर्क। तो वर्क जब जीरो होगा, जब वर्क की वैल्यू जीरो होगी तब सी ओ पी की वैल्यू इन्फाइनाइट, लेकिन वर्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए सी ओ पी कभी भी इन्फाइनाइट नहीं हो सकता। दूसरा हम देखते हैं कि सी ओ पी, यूनिट ऑफ सी ओ पी इक्वल टू है यूनिटलेस। सी ओ पी की कभी कोई यूनिट नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि सी ओ पी क्या है हमारे पास, डेजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो ये भी आपके किलो जूल या फिर किलो जूल पर सेकंड, और वर्क इनपुट भी जो है आपके किलो जूल या फिर किलो जूल पर सेकंड में दिया होता है, इसीलिए जो सी ओ पी की जो यूनिट है वो आपके यूनिट लेस होगी, कोई यूनिट नहीं होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, जो आपने सेकंड ईयर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखा होगा कि जो किसी भी एफिशिएंसी जो है हीट इंजन की, हीट इंजन की जो एफिशिएंसी वो होती है वर्क इनपुट अपॉन हीट इनपुट, वर्क आउटपुट कि हीट इंजन से वर्क का आउटपुट प्राप्त होता है। और तो वर्क आउटपुट और हीट इनपुट के अनुपात को हम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बोलते हैं। तो वर्क आउटपुट अपॉन क्यू इनपुट, अभी हमने देखा था कि जो हाई टेम्परेचर से हमें क्यू एच प्राप्त होती है उसका कुछ हिस्सा जो है वर्क आउटपुट में कन्वर्ट होता है और कुछ हिस्सा जो है वो सिंक को टी लोअर टेम्परेचर पे दे दिया जाता है। तो ये वर्क आउटपुट और हीट इनपुट के अनुपात को हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो वर्क आउटपुट कितना होगा वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ है, वो होगा क्यू हायर माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर, यह वर्क आउटपुट का फॉर्मूला है आपके। तो इस तरीके से हम देखते हैं, अब जब देखते हैं हमें यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। तो आपने जनरली देखा होगा जब हम फ्रिज लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं इतने टन का, जैसे लाइक 0.5 टन, 1 टन या 2 टन का हमें रेफ्रिजरेशन चाहिए, तो ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। तो हम देखते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन की यूनिट है वो है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको हम इस तरह से टी आर लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे इसको किस तरीके से, पुराने ज़माने बर्फ से जो है रेफ्रिजरेशन उत्पन्न किया जाता था, तो इसमें देखा देखते हैं अपन, तो जीरो हमारे पास देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास पानी है, वाटर है, और उसका जो वेट है, जिसका जो द्रव्यमान है वो है m इक्वल टू 1000 किलोग्राम या 1 टन, और इसको 24 घंटे में हमें कन्वर्ट करना है बर्फ में, 24 घंटे में हमें इसे बर्फ में कन्वर्ट करना है, वो भी सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर सेम है, यानी कि यहाँ पर ये यहाँ पर जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो किस प्रकार का होगा, लेटेंट हीट टाइप में होगा। तो हमें क्या करना है कि वाटर से जो है हीट रिमूव करनी होगी। तो यहाँ पे वाटर को हम सिस्टम मान लेते हैं, तो सिस्टम से जो है हीट को रिमूव करेंगे तो वो सिस्टम जो है लोअर टेम्परेचर पर आ जाएगा, यानी कि कोई आइस में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर उसका गिर नहीं रहा है लेकिन उसमें से हीट रिमूव हो रही है। तो 24 घंटे में 1000 किलोग्राम पानी से, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ़ में बदलने के लिए निष्कासित जो ऊष्मा की मात्रा है उसको हम बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आप ये भी नोट करेंगे कि जो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है वो होती है 334 किलो जूल पर केजी लेटेंट हीट। तो हम देखते हैं कि लेटेंट हीट इक्वल टू होता है ml, और उसे टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो q डेज यानी q डॉट यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ml अपॉन टाइम किलो जूल पर सेकेंड। तो 1000 किलोग्राम यहाँ पर आपका m है और l आपके लेटेंट हीट है 334 डिवाइड बाई 24 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, यानी टोटल इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया हुआ है आपके 24 घंटे को, उस तरह से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 3.8 किलो जूल पर सेकेंड।
और जब स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास, ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, 1 TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है अगर किलो जूल पर मिनट में करें तो 210 या फिर 211 भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 211 ले सकते हैं और 210 भी ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड आपके 210 है और किलो जूल पर सेकंड के अंदर 3.5, और किलो जूल पर सेकंड किलो वाट भी ले सकते हैं, 3.5 किलो वाट आपके 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू होती है। और इसको हम डेफिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 टन ऑफ वाटर से रिमूव हीट की मात्रा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में बर्फ़ को पानी में बदल, 1000 किलोग्राम पानी को बर्फ़ में बदलने के लिए उससे निष्कासित ऊष्मा की मात्रा को हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है और COP क्या होती है। और इस लेक्चर में हमने रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, और इसके आपके रेफ्रिजरेशन की जो रेटिंग्स है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन वो क्या होता है, COP किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीट पंप, रेफ्रिजरेशन, हीट इंजन। थैंक यू सो मच।